फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शंस कोई भी डिजिट्स जो इस तरह अपॉन में लिखी होती है ना, उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जैसे 1/4, तो ये क्या है? एक फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे 2/5, तो ये क्या है? फ्रैक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शन होती है जिसके ऊपर जो डिजिट होती है, ये होते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और ये होता है डेनोमिनेटर। ये होता है डेनोमिनेटर। ठीक है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डेनोमिनेटर होता है। अब देखो फ्रैक्शंस के भी टाइप्स होते हैं। किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होता है उसके डेनोमिनेटर से, तो वो होती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है, है ना। और जो किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है उसके डेनोमिनेटर से, तो वो होती है आपकी इंप्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन होती है? इंप्रॉपर। और जो मिक्स नंबर से बनी होती है, ये इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये प्रॉपर होती है, ऐसे इंप्रॉपर और ये मिक्स। थ्री टाइप्स के फ्रैक्शंस, थ्री टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम फ्रैक्शंस को वर्ड्स में लिखना, पुट द साइंस करना, आउटपुट द साइन करना, ये सब सीखेंगे ना। अब इधर देखो, पहले आप समझो कि फ्रैक्शंस के पार्ट, जैसे ये हो गया सर्किल और ये हो गया इसके दो पार्ट। ठीक है, तो ये पार्ट हमने फिल कर दिया, ये पार्ट हमने फिल कर दिया। ठीक है, तो ये क्या, इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं? टू। इसके अलावा इसको हमें फ्रैक्शन में शो करना है, तो इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? टू। और टू में से हमने कितने पार्ट्स को फिल कर रखा है, कितने पार्ट्स को शेड कर रखा है? वन। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 1/2। और इसको ऐसे लिखेंगे 1/2। ठीक है, टू को क्या लिखते हैं? हाफ। ठीक है, अब जैसे ये ट्रायंगल, ठीक है, इसके अब हमने सिर्फ 1, 2, 3 थ्री पार्ट्स है ना, थ्री में से हमने 1 को शेड कर दिया, तो ये हो गया 1/3। ठीक है, ये हो गया 1/3। तो 1/3 को क्या लिखेंगे? 1/3। क्या लिखेंगे? 1/3। ठीक है, समझ गए। किसी भी फ्रैक्शन से 1/4 है तो उसको हम क्या लिखेंगे? 1/4। क्या लिखेंगे? 1/4 पीएच लगाकर। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये फ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सी द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड पुट सिंबल by cross multiply cross
तो इसको लिखने का मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का एक तरीका होता है,
क्यू आर अपॉन डी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको, इंप्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइटिंग वर्ड्स। ठीक है, अभी हम इनको आपको बताया था ना कैसे लिखते हैं, THREFOURTH। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, वन फिर एंड लिखेंगे क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है ना। उसके बाद टू और फाइव को लिखते हैं फिफ्थ। ठीक है, फाइव को लिखते हैं फिफ्थ। यहाँ पे टू एंड थ्री फिफ्थ। ठीक है, वन एंड वन फोर्थ। ठीक है, वन अपॉन फोर है ये, वन फोर्थ हो गया। अब इसको लिखेंगे सिक्स एंड वन थर्ड। ठीक है, और वन अपॉन थ्री को लिखते हैं वन थर्ड। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेप वन अपॉन टू पार्ट, ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब हमें वन अपॉन टू पार्ट्स को शेयर करना है। ठीक है,
अपॉन फोर पार्ट, फोर पार्ट तीन होंगे उसमें से आपको एक पार्ट को फिल करना है। ठीक है, इन फोर में से किसी भी एक पार्ट को फिल कर लीजिए, बनाइए इसे पेंसिल से और फिल कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Look at the shaded part and write the numbers in bold. And write the in items in numbers. देखो इसको हमें लिखना है, पहले हम इसको शेप करते हैं, मैंने इसमें कितनी शेप्स ली करके। ठीक है, अब देखो इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट।